नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट काफी वीडियो से मैं दशा फल पढ़ा रहा हूं। पहले महादशा फल पढ़ाए थे, उसके बाद महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में पढ़ा रहे हैं। अभी जो लास्ट गया है उसमें चंद्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा के बारे में पढ़ाया था। आज हम चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेडिक्शन करना, जिसके लिए उस चीज से प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, अगर ये मालूम हो कि चंद्र की महादशा हो और किसी की शनि की अंतर्दशा हो तो कैसे प्रेडिक्शन करनी है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं प्रेजेंटेशन पे ही आता हूँ। चंद्रस्य अंतर्गते मंदे लग्नात केंद्र त्रिकोण गे स्वक्षेत्रे स्वांश गे चैव मंदे तुगांश संयुते। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहते हैं कि चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, मंदे, मंदे मीन्स शनि, चंद्र की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो, और शनि लग्नात केंद्र त्रिकोण गे, लगन से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लगन से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वक्षेत्र अपनी राशि में हो, स्वांश गे अपने ही नवांश में हो, चैव मंदे तुगांश संयुते शुभ ग्रह युत हो, तो शुभ द्रष्ट हो, शुभ द्रष्ट युते वापी लाभे, शुभ द्रष्ट युते हो, शुभ ग्रहों से द्रष्ट हो, लाभ भाव में हो, बल उसमें हो, षडबल में बली हो, तो क्या होता है? पुत्र मित्तार्थ संपत्ति शुद्र प्रभु समागमात, यानी कि धन मित्र संतान राजकृपा से व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है, घर मिलता है, क्षेत्र की वृद्धि होती है, पुत्र का लाभ होता है, कल्याण होता है, राजा का अनुग्रह मिलता है, वैभव मिलता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि शनि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो और एका नवा अपने उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या स्व नवांश में हो, षडबल में बली हो, तो चंद्र शनि की दशा में धन मित्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान से प्रेम प्राप्त होता है, घर का लाभ होता है, भूमि का लाभ होता है और कल्याणकारी गतियां होती हैं, राजकृपा प्राप्त होती है और वैभव प्राप्त होता है। तो ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट दशा होती है, जब चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा होती है। इसी प्रकार चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, और वो कहते हैं कि षष्ठा अष्टमय व्यय मंदे नीचे वा धन व्यय पीवा तब भुक्तया वो पुण्य तीर्थे स्नानम चैवतु दर्शनम अनेक जन त्रासश्च शत्रु पीड़ा भविष्यति। यानी यहाँ क्या बोलते हैं, षष्ठा अष्टमय व्यय, यानी यदि शनि छठे अष्ट अष्टम और व्यय, व्यय मैंने व्यय भाव में, यदि शनि छठे आठवें और बारहवें भाव में स्थित हो या नीच राशि में हो, नीचे वा धन गे अपि वा, या द्वितीय भाव में स्थित हो, धन गे अपि वा मीन्स धन भाव मीन्स के द्वितीय भाव में स्थित हो, यानी शनि छठे भाव में स्थित हो, अष्टम भाव में स्थित हो या बारहवें भाव में स्थित हो, या नीच राशि का हो या धन भाव में स्थित हो, तद भुक्त्यादो पुण्य तीर्थे, तो ऐसी अंतरदशा में पुण्य तीर्थे स्नानम, पुण्य तीर्थों का स्नान होता है और उनके दर्शन होते, चैवंतु दर्शनम, किंतु अनेक जन त्रासश्च शत्रु पीड़ा भविष्यति, किंतु अनेक जनों से भय तथा शस्त्र से पीड़ा होती है। तो ये दशा बहुत खराब भी जाती है, ऐसा मत समझिए कि पुण्य तीर्थों के दर्शन होते हैं या पुण्य स्थान प्राप्त होता तो दशा सी जाएगी। इसमें शस्त्र से पीड़ा हो सकती है, शत्रु से भय हो सकता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, तो वो भी ध्यान देने वाली बात है कि शनि यदि लगन से छठे आठवें या बारहवें भाव में हो, या नीच राशि में हो, या धन भाव में बैठा हो, तो ऐसी दशा में अनेक जन से भय रहता है, शत्रु से पीड़ा होती है और शस्त्र की पीड़ा होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर वो कहते हैं दायशेत केंद्र राशिस्थे त्रिकोणे बल गे अपि वा क्वचित सौख्यम धनातिपसु दार पुत्र विरोध कृतम। यानी यदि शनि महादशा स्वामी से, अब क्या है कि शनि महादशा स्वामी से, अभी तक तो शनि की पोजीशन हम लगन से बता रहे थे कि लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में हो या लगन से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, तो पहले तो हमने ये बताया, अब हम बता रहे हैं कि यदि शनि महादशा स्वामी से केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, महादशा स्वामी से,
तो ऐसी अंतरदशा में धन लाभ होता है, पत्नी पुत्र से विरोध होता है, और यदि शनि द्वितीय सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में स्थित हो, कहां से? महादशा स्वामी से। यदि शनि महादशा स्वामी से दूसरे भाव में हो, सातवें भाव में हो या आठवें भाव में स्थित हो, तो शारीरिक कष्ट होता है। शनि दोष निवारण हेतु मृत्युंजय जप करना पड़ता है, देवी काली का मंत्र जाप करना पड़ता है, काली गाय में भैंस का दान करना हितकारी होता है ऐसे केस में। यदि शनि महादशा स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, महादशा स्वामी से उसकी वो बता रहे हैं हम लोग कि शनि महादशा स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो उसकी अंतरदशा में धन लाभ होता है, लेकिन पत्नी पुत्र से विरोध मिलता है। वो एक वैवाहिक जीवन में विरोध प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। और यदि शनि सेकंड भाव में है या सप्तम भाव में है या अष्टम भाव में है, सेकंड और सप्तम तो हमारे मारक भाव होते ही हैं, अष्टम भाव हमारा कलह पीड़ा वाला भाव होता है, अगर इन भाव में शनि है तो शारीरिक कष्ट निश्चित रूप से होता है। तो ऐसे केस में शनि का दोष निवारण करना चाहिए, और उसके दोष निवारण के लिए महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, देवी काली का मंत्र जाप कर सकते हैं, काली गाय में भैंस का दान करना हितकारी होता है ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये शनि का अंतरदशा का फल समझ में आया होगा चंद्रमा की महादशा में, और समझ में आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग अपना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी से क्लास का, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, वो अपना इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।